मोइनुद्दीन चिश्ती। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली से हिंदू शासन को उखाड़ फेंकने में इसका भी हाथ था। अगर नहीं जानते तो वीडियो को लास्ट तक देखें। 12वीं शताब्दी खत्म होने वाला था और मोहम्मद गौरी सीमा पर आ बैठा था, जिसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार हरा के माफ किया था। ये महज संयोग ही था या कुछ और की जिस साल मोहम्मद गौरी हार कर भागा, उसके अगले साल ही एक सूफी ने अजमेर में डेरा जमाया। और कहा जाता है कि उन्होंने ही मोहम्मद गौरी को आखिरी युद्ध में तैयार किया था। तभी तो पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जीत का श्रेय लेते हुए कहा था, हमने पिथौरा पृथ्वीराज चौहान को जिंदा दबोच लिया और उसे गौरी की फौज के हवाले कर दिया। तो दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है कमेंट में अपना राय जरूर रखें।